स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजूम। खबर दुर्ग से है जहां पे वेस्ट मटेरियल में आग लग गई। कंपनियों से निकले वेस्ट मटेरियल में आग लग गई। मौके पर फायर फाइटर्स पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भिलाई के उमदा क्षेत्र की यह घटना है जहां पर कंपनियों से निकले वेस्ट मटेरियल में आग लग गई। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आग को काबू किया गया और यहाँ कंपनियों से लाया गया वेस्ट मटेरियल निकाला गया था बाहर, इसी में आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंचती है, फायर फाइटर्स इस आग पर काबू पाते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू किया गया। भिलाई के उमदा क्षेत्र की ये घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुर्ग के भिलाई में उमदा क्षेत्र में ये आग लगी हुई है। आग की लपटों को यहां शांत करने की कोशिशें किस तरह से की जा रही है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। धुआं उठ रहा है, इस धुएं और इस आग को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति हुई होगी। और ये वेस्ट मटेरियल था जिसमें आग लग गई थी। ये वेस्ट मटेरियल कंपनियों से बाहर निकाला गया था। अगली खबर बिलासपुर से है जहां ब्लास्टिंग से दहशत मच गई है। क्रशर खदानों में ब्लास्टिंग से जो आसपास के घर हैं वहां दरार पड़ गई है। ब्लास्टिंग से गांव में पानी का जो लेवल है वो भी कम हो गया है। 200 से 250 फीट नीचे गिर गया है जलस्तर। बिल्हा, मस्तूरी और तखतपुर गांव में ये जल संकट अब देखने को मिल रहा है। क्रशर खदानों में जो ब्लास्ट हो रहे हैं उसकी वजह से आसपास के घरों में भी दरार पड़ गई है। पानी का जो लेवल है, जो स्तर है जल का, वो नीचे चला गया है। 200 से 250 फीट नीचे पहुंच गया है पानी का स्तर। बिल्हा, मस्तूरी और तखतपुर गांव में पानी का संकट गहरा गया है। घरों के अंदर दरारें जो पड़ी हुई हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इससे जो इन घरों में रहने वाले लोग हैं वो डरे हुए हैं, दहशत में हैं। और पानी अभी है ही नहीं है, तो कहाँ आई होगा, हम का कारण बता सकत हन, का ब्लास्टिंग कारण नहीं आते। और लगेज नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं हमारे करता है, हम का बताओ वही बता दें। न कोई नल है में पानी निकले, ना कहीं ब्लास्टिंग बार बार होते। एक बार इसने कर रहे हैं तो पानी लो ब्लास्टिंग रोके रही, फिर ये दोबारा ब्लास्टिंग चालू हो गए, फिर पानी मन के इस तरह गिर गए। मेन समस्या मन के ब्लास्टिंग ला कम करे। अगली खबर बिलासपुर से है जहां सौम्य चौरसिया को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट से सौम्य चौरसिया को जमानत नहीं मिली। जमानत अर्जी पर कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा। 10 जून के बाद मामले में अगली सुनवाई होगी। कोल घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं सौम्या। झटका लगा है सौम्य चौरसिया को। हाईकोर्ट से सौम्य चौरसिया को जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने ईडी से जमानत अर्जी पर जवाब मांगा है। 10 जून के बाद अब मामले में अगली सुनवाई होगी। कोल घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं सौम्या। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सौम्य चौरसिया को हाईकोर्ट से झटका लगा है। सौम्या की रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमचंद मांझी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। नक्सलियों ने हेमचंद मांझी को धमकी दी थी। धमकी मिलने के बाद पद्मश्री लौटाने का ऐलान हेमचंद मांझी की ओर से किया गया था। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाई कैटेगरी की सुरक्षा हेमचंद मांझी को मिली है। गृह विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया है। नक्सलियों ने हेमचंद मांझी को धमकी दी थी। धमकी मिलने के बाद पद्मश्री लौटाने का हेमचंद मांझी ने ऐलान किया था। युगल तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, हेमचंद मांझी ने धमकी दी, उसके बाद अब ये सुरक्षा वाई कैटेगरी की देने का ऐलान गृह विभाग की ओर से किया गया है। जी देखिए, माओवाद प्रभावित क्षेत्र में वो रहते हैं और लगातार जब से उन्हें सम्मान मिला है उसके बाद जो लगातार उसे धमकियां मिल रही थी इससे वो काफी व्यथित थे, विचलित भी थे और इसी के कारण उन्होंने पुरस्कार वापस लेने का
ऐलान कर दिया था। अब चूंकि जैसे ही राज्य सरकार गृह विभाग को इस मामले का संज्ञान में आया है, उसके बाद वाई श्रेणी की सुरक्षा का ऐलान किया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि एक आश्वासन है और एक सुरक्षा देने तो का। हेमचंद मांझी युगल, क्या संतुष्ट हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो फिलहाल उसकी इस घोषणा के बाद या इस ऐलान के बाद किसी तरह के कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, तो इससे साफ जाहिर है जब उन्हें धमकियां मिल रही थी तो पुख्ता सुरक्षा इंतजाम में रहेंगे, सुरक्षा में रहेंगे, तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार के इस फैसले से वो बिल्कुल संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी किसी तरह का जो आधिकारिक बयान है जी अपना वो नहीं आया है। जी धन्यवाद युगल तिवारी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।